इट इज़ अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर, और बहुत ही मतलब जोश पूर्वक आपका परिचय रहा मेरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम सर्विस में आते हैं तो हम संविधान की शपथ लेते हैं, और अगर मुझे लगता है कि जब हम अपने देश के वल्नरेबल सेक्शंस की बात करें तो डिसेबिलिटी एक बहुत ही मतलब ऐसा पार्ट है जो एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह है, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाती है और जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका संविधान सभी, नॉट जस्ट सिटीजन्स, अगर आप देखें तो सभी को इक्वालिटी का राइट देता है, चाहे आप फॉरेन सिटीजन भी हों, अगर आप भारत की धरती पे हैं तो आपके पास वही राइट्स हैं जो आप हम के पास हैं। उसी तरह मुझे लगता है कि संविधान में हमने लिख दिया, हमने बहुत सारे एक्ट्स बना दिए, बट इम्पॉर्टेंट है कि उन एक्ट्स पे हम अब कार्रवाई भी आगे शुरू करें। और डिसेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो डिसेबिलिटी परमानेंट होती है, बट टेम्प्रेरी डिसेबिलिटीज बहुत होती है, मतलब आप जब पैदा होते हैं तो आप खुद अपना कोई कार्य नहीं कर सकते, आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, आप जब बुजुर्ग हो जाते हैं अगेन आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि डिसेबिलिटी को आप ऐसे छोड़ सकते हैं कि ये किसी और का मैटर है, आप सबको, हम सबको उससे गुजरना पड़ेगा, अभी नहीं तो छोटी मोटी डिसेबिलिटीज, आप बीमार हैं तब डिसेबल हैं। तो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट ना करें, मतलब उनके इश्यूज़ को हम ये ना कहें कि ये इश्यूज़ उन्हीं के हैं, ये सब इश्यूज़ हमारे हैं, क्योंकि हमारे को भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उस चीज़ से गुजरना है। तो आप देखेंगे अगर डिसेबिलिटीज़ का मूवमेंट जो रहा इंडिया में, मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा और मूवमेंट के बेसिस पे हमने एक्ट्स बनाई, दिक्कत यह है कि वो जो एक्ट्स जिनके लिए बनाई उनको भी इसकी अवेयरनेस कम है कि उनकी पावर्स क्या हैं, और जिनको इस एक्ट्स को क्रियान्वित करना है उनके पास भी इसके बारे में क्या करना है उनको भी नहीं पता है। जैसे अभी अगर आप कुछ दिन पहले देखेंगे, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैटर हुआ जिसमें एक डिसेबल को उसकी किसी ने मतलब देयर वाज कोई लड़ाई हुई, और उसमें जब पुलिस के पास मैटर गया तो पुलिस वॉज नॉट अवेयर कि अभी जो हमारा डिसेबिलिटी एक्ट है उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन्स हैं, अगर आप किसी को हर्ट करते हो देयर स्ट्रिंजेंट प्रोविजन्स, तो पुलिस ने ही उसको नहीं वो किया। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो ये एडवाइजरी सेंटर है, इट शुड नॉट जस्ट बी एन एडवाइजरी सेंटर, यू शुड इंश्योर कि ये एक नॉट अ थिंक टैंक बट समथिंग ऑफ दीज सॉर्ट्स वेयर यू आर ऑल्सो टेलिंग द गवर्नमेंट कि वॉट आर द ब्लाइंड स्पॉट्स, वॉट आर द एरियाज, वॉट आर द डार्कर एरियाज, और आप जो लोग डिसेबल हैं, जिस कोई परमानेंट डिसेबिलिटी से वो हैं, उनकी तो हेल्प करेंगे ही, बट मुझे लगता है कि आपको इस प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ भी एक अपना समन्वय स्थापित करना चाहिए, और जो भी आपके पास सुझाव हैं उनके समक्ष रखने चाहिए। अब जो आप देखेंगे कि संविधान ने गारंटी कर दिया, बट बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारा समाज संविधान में कहता है कुछ है मगर हमारा समाज वो करता नहीं है, हम बड़े बटे हुए समाज की तरह रहते हैं, हम बहुत आर्किक पुराने कास्ट सिस्टम या रिलीजियस लाइंस पे डिवाइडेड है, मतलब दैट इज़ अ रियलिटी। और हम जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जैसे आप देखें महिलाएं, तो महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है, बट मोस्ट ऑफ आर गॉडेसेस आर हमारी जो जिनका हम वर्शिप करते हैं वो फीमेल गॉडेसेस हैं, एंड वी आर वेरी, मतलब हम बहुत भक्त हैं, मतलब वी आर हर हफ्ते हर दिन हम किसी को नामित करते हैं कि ये उनका दिन है, मगर जो हमारी महिलाएं हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म नहीं होता है, मतलब तो ज़रूरत ये है कि हम किसी को मतलब डिवाइन स्टेटस ना दें, डिवाइन स्टेटस दें बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, बट हमारे को उसको डिवाइन स्टेटस देने के बाद जो उसके एज अ ह्यूमन राइट्स है, जो उसकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगा जो आपने ये सेंटर इस्टेब्लिश किया है वो जो दिव्यांगों की सेंसिबिलिटीज़ है, पहले क्या होता था कि हम दिव्यांगों को एज अ चैरिटी देते थे, कि मतलब इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इट इज़ अ चैरिटी ऑन देम, इट वॉज
बट अब गवर्नमेंट या उसमें राइट्स डिसाइड हो गए, मतलब इट्स देयर राइट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है, इट डजंट गिव एनी चैरिटी टू एनी वल्नरेबल सेक्शंस. तो उसी तरह मुझे लगता है कि उस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर सोसाइटी वेयर रिस्पेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आप किसी के ऊपर चैरिटी ना करें, मतलब ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जो भी किसी की मदद करने का उद्देश्य, ये उद्देश्य है कि वो इस समय शायद उस पोजीशन में नहीं है जो अपनी उस तरीके से मदद कर पाए, बट इट्स नॉट अ चैरिटी, उनका राइट है. और उस राइट्स को डिफाइन करते हुए अगर हम उनको किसी प्रकार के एडवाइजरी दे रहे हैं तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव विच यू हैव टेकन कि आप एक डेडिकेटेड सेंटर बना रहे हैं, और डेडिकेटेड सेंटर में आई एम श्योर कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे. ऑल द VC एंड द CEO, everything, everybody is present here also, and I think उससे एक seriousness का पता चलता है कि people are very serious about the center. तो मैं इसी आशा के साथ, और मैं ज़्यादा प्रवचन नहीं देना चाहूँगा बिकॉज मुझे लगता है कि द टाइम इज़ नाउ टू एक्ट. वी हैव मतलब हर समय प्रवचन देने से वो नहीं होता, इट इज़ द टाइम. एंड सी देखिए, हम एज अ सोसाइटी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमारे जो फोर फादर्स थे वो एक मॉडर्न इंडिया की सोच रखते हुए उन्होंने मॉडर्न इंडिया की सोच रखते हुए संविधान का स्थापना की. तो मुझे लगता है कि हमारे को भी, हमने एज इंडिया में मॉडर्निटी को बड़ा सेलेक्टिवली चूज़ किया है. अगर आप देखेंगे तो मॉडर्निटी, वी आर बाउंड विद ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस और कंजर्वेटिविज्म में हम लिप्त हैं, बट हम मॉडर्निटी को चुन लेते हैं लाइक अ वेरी क्लेवर पर्सन, लाइक इंडियंस आर, वी आर क्लेवर ब्रीड. तो हम लोग सेलेक्टिवली चूज़ कर लेते हैं कि भाई हमारे को चाहिए, गाड़ी की ज़रूरत है तो BMW गाड़ी ले ली, और उसमें हम एक अपने भगवान की मूर्ति भी स्थापित कर लेते हैं. तो वी डोंट ब्रेक आर टाइज विद ट्रेडिशन. गुड, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ बैड. मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि हम इस मॉडर्न टाइम्स में मॉडर्निटी को अपनाते हुए आगे चले. जैसे आप देखेंगे कि हम कुछ छोटे छोटे अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स बना लेते हैं बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन और सम अदर, वॉट एवर द रीजन. तो वॉट हैपन्स विद पीपल हुआ विद डिसेबिलिटी, वो उस तरीके से उस मूवमेंट को आगे नहीं चला पाते. आप धरना नहीं दे पाएंगे, आप रोड को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, अपनी डिमांड को इस तरीके से आगे नहीं रख पाएंगे. बट इन मॉडर्न टाइम्स आपके पास एक सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास मीडिया भी, अगर आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं. तो मेरा ये मत है कि इस सेंटर को भी आई थिंक इट शुड बी ऑन मॉडर्न लाइन्स, और जो भी चीज़ आप कुछ कर रहे हैं तो उसका आई थिंक कोई, यू शुड बी कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशन, सच इंस्टीट्यूशंस ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, जिससे पता भी चले कि वॉट आर यू डूइंग और वॉट एवर योर सजेशंस आर, आप उसको आगे भी रखें. ये दिस इज जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड. तो इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इट इज़ माई प्लेजर, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के लिए मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. और मैं अपने भोजन में सबसे पहले मैं मेंशन नहीं कर पाया, VC साहब, VP सिंह साहब, ही हैज़ अ वेरी मतलब बहुत ही सुनहरा पास्ट है, और मुझे पूरी आशा है कि जैसा उनका सुनहरा पास्ट है वैसे ही वो इस एडवाइजरी कमेटी को आगे भी, उसका भी फ्यूचर ऐसे ही डेवलप करेंगे. एवरीबडी इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ यंग, यू हैव अ वेरी एक्टिव CEO, वेरी एक्टिव MS, आई थिंक बहुत आगे आप लोग जाएंगे. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया.